मैं बोनीगाम का रहने वाला हूँ। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कल शाम के वक्त सिक्योरिटी फोर्स हमारे गांव में घुस गए और तकरीबन 100 से ज़ायद मकानों का तोड़फोड़ किया, शीशों को तोड़फोड़ किया, खिड़कियों का, दरवाजों का तोड़फोड़ किया, जवानों को मारा, जवानों को पीटा। हद तो यह है कि शाम के वक्त यहाँ से चले जाते हैं, फिर रात के 11 बजे अंधेरे में फिर दोबारा गांव में घुस जाते हैं और हमारे माओ को उन्होंने पीटा, हमारे बहनों को इन्होंने पीटा, हमारे बुजुर्गों को इन्होंने पीटा, हमारे जवानों को इन्होंने पीटा। इसके अलावा गाड़ियों को भी नहीं बख्शा इन्होंने। तकरीबन 10 से ज़ायद हमारे गांव के गाड़ियां उनके शीशों को चुकना चूर कर दिया गया। फिर रात के वक्त मैं डीसी साहब को फ़ोन करता हूँ, रात के 11:30 बजे मैंने डीसी साहब को फ़ोन पे बताया, उसने मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्ड दिया। मैंने डीसी साहब को बताया कि मेहरबानी करके एसपी साहब को मुतला कीजिए कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस गांव में घुस गए, इनको यहाँ से वापस भगा दो। तो फिर रात इन्हीं हालात में गुजर गई, खौफी हिरास के हालत में रात को। सुबह हम गाँव के कुछ जीशूर अशखास और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान सड़क पे इसलिए गए ताकि हम इनको बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन को हम बताएं आखिर हमारा कसूर क्या है।